तो चल दिए हैं अब मार्बल रॉक की साइड को, और मौसम सुहाना है तो मौसम का मजा आ रहा है भुट्टे के साथ में। पहले चाय पिए थोड़ी देर पहले, और अब चल दिया भुट्टा। कोई चलेगा एक्चुअली में क्या, जब आप जाते हो ना यहाँ पर रोप पार करके, तो ऐसे गाड़ी वाले भी लेके जाते हैं। गाड़ी वाला बोल रहा है 400 रुपये पर बंदा। लूट मची हुई है यार यहाँ तो। थोड़ी डिस्टेंस पर है, पैदल पैदल चलते हैं, एक्सरसाइज भी होगी और साथ साथ में दिल्ली वालों के फेफड़े कमजोर हो चुके हैं। अभी तो और हाई दिल्ली वालों के फेफड़े कमजोर हो चुके हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हम भी बोन बीटा रोज पीते हैं। और मेरी मम्मी ने तो यार मुझे वैसे बहुत बोन बीटा पिलाया है, देख सकते हैं ब्यूटीफुल प्लेस। सभी लोग मोस्टली पैदल जाते हैं यार, हम भी चल रहे हैं और करते हैं कुछ क्या धमाल। तो देखा भी आपने नर्मदा जी कितने पावर के साथ चल रही हैं। तो कमजोर फेफड़े वाला आदमी, इंडियन आर्मी वालों का कहाँ यार मुकाबला कर सकता है सुबह 4 बजे उठ के। अभी तो अगला स्टेप आपको लेके जाएंगे जहाँ पर, ये अमेजिंग होगा। आ जा 200 रुपये आ जा। अरे तो देख रहे हो अपने को जाना पैदल ही है, लेकिन अभी पिछला बंदा कितने मांग रहा था 400 रुपये पर हेड। उसने बोला कितने मांगा, बोला 200, बोला रुको मैं आ रहा हूँ। शांतनु भाई करप्शन कब खत्म होगा देश से। तो मैं बोल रहा था दिल्ली वाले बंदों के फेफड़े तो भाई बहुत कमजोर है ना, पोल्यूशन ले लेके शुद्ध हवा ले रहे हैं, खत्म हो चुके, लेकिन शुद्ध हवा ले रहे हैं अब। और ऑक्सीजन है, कोई भी केमिकल नहीं है यार। किसके साथ चल रहा हूँ, आर्मी वालों के साथ में। तो भैया ये तो सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाने वालों में है। कितना उठते हैं सुबह? 4:30 पौने 5 बजे। और फिर रनिंग वनिंग सब चालू? हाँ बिल्कुल, रनिंग नहीं पीटी, फिजिकल एक्सरसाइज एक घंटा वो तेरी। तो देख सकते हैं यार ब्यूटी पीछे की, ब्यूटीफुल ठीक है। मुझे लग रहा है जो बाइक वाले हैं, जो बाइक वाले हैं ये भी ले जाते हैं घुमाने के लिए, इधर काम वाले होंगे ना। भुट्टा खत्म कर लेता हूँ, आगे आपको लेके चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ। एक तो मैं आर्मी वाले के साथ घूम ही रहा हूँ, एक आर्मी का जवान और दिखाता हूँ आपको। लेकिन देख रहे हो पेड़, लेकिन उसकी सुरक्षा अलग है और उसकी सुरक्षा थोड़ी अलग है। ये जवान हमारी सुरक्षा में अलग है और ये अपने बैलों की सुरक्षा में है। पेड़ पे देख रहे हो, पेड़ पे मचान बना रखा है और उधर आप देख रहे होंगे ये सीढ़ी लग रही है, देखो स्पाइडरमैन सीढ़ी। ठीक है, डिस्कवरी पूरी चल रही है यहाँ पे, डिस्कवरी चैनल। और सामने देख रहे हो बैल घास खा रहे हैं, ऊपर से ही नज़र रख लेनी है कौन सा बैल कहाँ है, क्या है क्या नहीं है। तो टेक्नोलॉजी में तो यार हमारा देश बहुत आगे है, ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है। आई लाइक दिस शांतनु भाई। भाई अभी अपने को ये भाई मिल गए हैं और इनसे मैंने हेल्प के लिए बोला, मैंने कहा यार यहाँ गाड़ी वाले तो बहुत लूट रहे हैं, भाई को छोड़ बैठो सर, भाई थोड़ा आगे तक छोड़ दो। तो भाई ने गाड़ी रोक ली है और ये हम बैठ गए हैं और चलो सर, थैंक यू भाई। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंडिया में वो बोलते ना इंसानियत ख़त्म हो गई है, अब भी जिंदा है और ये फिर एक बात प्रूव हो गया है। नहीं जब वैसे जबलपुर के लोग बोल रहे हैं, ब्यूटी देखो यार क्या ब्यूटी है, वाओ। तो यार अभी हो गई थी मोबाइल की बैटरी डाउन, सॉरी मेमोरी कार्ड में कुछ स्पेस नहीं बचा था, कुछ पुराने वीडियोस थे उनको डिलीट कराए और अब निकले हैं थोड़ा सा और क्लोज के लिए। वीडियो चालू नहीं किया, बस वही रुको, मैं काफ़ी डाउन कर।
क्या बात है। ग्रीनरी देख रहे हो, ग्रीनरी कितनी है। ये फ्रीडम का रिजल्ट है। कुछ आप भी ऐसी चीज़ें चूज़ करो जहाँ से आप रिजल्ट्स ले सको। और ग्रीनरी देखो यार, कितनी ग्रीनरी है। और ये जो फुल्ली इंटरटेनमेंट हो रहा है आज का, ये सारे का सारा, इसका जो ऑर्गेनाइज़र है उसका नाम है अपने शांतनु भाई। तो चलिए आगे देखते हैं और आपको दिखाते हैं नर्मदा नदी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितने उफान पर है। मैंने आपको सब कुछ दिखा चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही, लेकिन उसके बावजूद भी जो है करते हैं हम कुछ बड़ा धमाल और देखते हैं कुछ और व्यू पॉइंट। तो पाजी ये है साड़ी नर्मदा नदी, ठीक है, और देख रहे हो कितने प्यार से बह रही है। हमेशा ये नदी ऐसे उफान पर नहीं रहती है, पानी थोड़ा कम भी हो जाता है, लेकिन बरसात का मौसम है तो आजकल उफान पर है, लेकिन मोस्टली इसका पानी ऐसा ही रहता है। और ऐसे ही ये इन मार्बल रॉक्स को चीरते हुए गुजरात से होते हुए सीधी समंदर में मिल जाती है। और देखने के लिए लग रहा है अपने को कि बहुत छोटी सी नदी है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि लगभग 300-350 फुट गहरी है, जैसे यहाँ के लोकल लोग बोलते हैं। तो कंटिन्यू बने रहें। और अभी मैगी का ऑर्डर कर दिया है और उसके बाद मैगी खाएंगे यहाँ से, और यहाँ से निकलेंगे और फिर दूसरी डेस्टिनेशन पर चलेंगे, ठीक है। तो ये जो आज आपको व्यू सारे का सारा दिख रहा है, अब तो आवाज़ सुनाई दे रही होगी नर्मदा नदी की, नर्मदा नदी से कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है। और अभी हम बैठे हुए हैं किसके ऊपर, ये जो मार्बल रॉक्स हैं इनके ऊपर बैठे हुए हैं। और शांतनु भाई यहाँ पर हैं काफ़ी लंबे टाइम से जयपुर में, जबलपुर में, तो अपने साथ आ गए ये घूमने के लिए, और इन्होंने एक मुझे ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी। और आप सामने भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो, पानी का फ्लो देख सकते हैं, पानी में कितना फ्लो है। और जो पानी इतना गहरा है कि सोचना ही अपने लिए मतलब एक टेढ़ी खीर है। सामने आप देख सकते हैं स्टोन के मार्बल के जितने भी ये पहाड़ हैं वो। और शांतनु भाई कोई ऐसी चीज़ जो मुझे आइडिया नहीं हो इसके बारे में? ये एक्चुअली नदी का बहुत ज़्यादा महत्व भी है। ये एक ऐसी नदी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जागृत नदी है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे कई लोग आपको ज़्यादा तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनको देवी ने आके प्रत्यक्ष बताया कि मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो बस इसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप सोच रहे कि लोकल पर्सन को लेके आया अपने साथ, लेकिन खैर मैं भी एक बार विजिट कर आ चुका हूँ। तो मैं रिंकू सर को बोला कि चलो सर मैं ही आपको बता देता हूँ। सर मत बोला करो, पहले मैं सर बोला यार भाई बोला करो। ठीक है, तो रिंकू भाई को मैंने बताया चलो मैं ही आपको जहाँ तक जो फीलिंग्स है अपनी नदी को लेकर, तो बहुत माफ बस। तो एक बार मैं आपको फिर बैक में दिखाता हूँ और इस वीडियो को यहीं स्टॉप करने की कोशिश करूँगा। नहीं यार, अभी स्टॉप नहीं करूँगा, मैगी वाले तक चलेंगे और मैगी पॉइंट तक लेकर चलेंगे, फिर इस वीडियो को रोकूँगा और फिर नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो बने रहें आज फुल डे मेरे और शांतनु भाई के साथ में। लगा दो भाई जी मैगी, लगा दो। तो भाई लोग मैगी आ गई अपने हाथ में और अब चालू है। और क्या बोलेंगे इसे, लंच बोलेंगे, ब्रेकफास्ट बोलेंगे? ये बोलेंगे कि मैगी पार्टी। मैगी पार्टी है, वो भी नर्मदा के किनारे। और इसके बाद चलते हैं आगे, तो थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। गुड, बढ़िया बना, बढ़िया बनाया भाई, बढ़िया बनाया है भाई। कितने की बताई थी आपने? 30 यार, आप तो सस्ती दे रहे हो। अभी हम उधर जाते हैं अपना हिमाचल साइड वगैरह, वहाँ तो 100-100 रुपए की देते हैं। अरे कुछ ऐसे ही लोग, कुछ लोग इसी में बहस करने लगते हैं, इतनी महंगी क्या बात कर रहे हो, इतनी महंगी क्या करो, सब चला लग जाती है एकदम बिंदास। आते टाइम तो आपको मैंने बताया था कि कैसे हम जो है बाइक से आए थे और जाते टाइम जा रहे हैं यहाँ से एक वैन से, और हमारी मैगी पार्टी हो चुकी है, मैगी पार्टी हो चुकी है और रात भी हो चुका है जो दिखाएंगे आपको।
क्या हो चुके हैं फोटोग्राफ। हाँ फोटोग्राफ हो चुके हैं जो कि आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएंगे। और अब निकल रहे हैं हम किसी दूसरी जगह के लिए, लेकिन इसे अभी सस्पेंस रखेगा। हम पहुँचेंगे अभी यहाँ धुआंधार फॉल्स, ठीक है। अभी अपन लोग पहुँचेंगे धुआंधार फॉल्स, जैसे मैंने आपको वीडियो पहले दिखाया था। उठाएंगे अपनी गाड़ी और निकलेंगे डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन वो भी सरप्राइज आपको मिलेगा अगले वीडियो में, राइट। तो कंटिन्यू बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भाई लोग हैं जो कि जबलपुर नहीं पहुंच सकते हैं उनको भी ये नॉलेज मिले कि कहां पर क्या है क्या नहीं है। एक बार आप भी अपना कमेंट बॉक्स में लिखें आप कौन से सिटी से हैं। आने वाले टाइम में मैं आ रहा हूँ आपके भी शहर में। शांतनु भाई, यस राइट। और भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आने वाले टाइम में मेरे भाई का खुद का अपना चैनल आ रहा है और बहुत कुछ मिलने वाला है। यस, बहुत जल्द आपको मिलने वाली है क्या, एक हेलीकॉप्टर की भी, स्पेशल है सबके लिए। बहुत जल्द आपके लिए एक मिलने वाली है हेलीकॉप्टर की राइड, जिस पर दोनों भाई जाने वाले हैं। तो कंटिन्यू बने रहें, और आने वाले टाइम में चैनल पर मैं बहुत सारे आपको गिव अवे देने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हर वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। अभी बीचों में एक वीडियो लाने वाला हूं, और उसके बाद मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा कि मैं क्या गिव अवे में देने वाला हूं, क्या करने वाला हूं। तो बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।